सो गाइस कैसे आप सब, आपके सामने खड़ी है 2024 मॉडल यामाहा की रेंजडार 125 है, स्ट्रीट रेडी है भाई। तो इस स्कूटर में आपको क्या 2024 में अपडेट मिलती है, क्या प्राइसिंग आने वाली है, क्या फीचर्स ऑफर किया गया है, बूट स्पेस आपको कैसे मिलती है, इंजन पावर आपको कैसे मिलती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सके। तो चलिए गाइस मेरा टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले बात करेंगे 2024 मॉडल यामाहा रेंजडार 125 में आपको क्या अपडेट मिलती है। तो यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो पहले डीआर मिलती थी आपको यहाँ पे वाइजर मिल रही थी, बट डीआर को हटा दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखें तो एप्रन पे आपको इस टाइप का आपको डीआर मिल जाती है जो काफी बड़ा अपडेट इसमें निकल के आती है। तो यहाँ से मैं एंड्रॉइड दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे एलईडी डायल्स कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे मिलने लगी है, तो काफी बढ़िया आपको यहाँ पर मिल जाती है। एप्रन पे इसकी एलईडी डायल्स दिया गया है जो 2024 का काफी बड़ा अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ओल्ड मॉडल भी खड़ी है तो इसके वाइजर पे आपको यहाँ पर डायल मिली थी, बट यहाँ पे अपडेट निकल के आती है 2024 मॉडल यामाहा रेंजडार में, इससे आपको यहाँ पर इसके एप्रन पे आपको डीआर मिल जाती है। तो काफी बढ़िया इसमें अपडेट निकल के आती है। यहाँ पे यामाहा की ब्रांडिंग दिया है, इससे आपको टिंटेड वायर आपको यहाँ मिल जाती है और इस प्रकार आपको यहाँ पे वायर मिल जाती है और नकल गार्ड को इस तरह दिया गया है और जो टर्न सिग्नल आपको मिलते हैं बल्ब टर्न सिग्नल आपको लगे मिलते हैं फ्रंट और रियर दोनों साइड में। अगर बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में तो इस स्कूटर का जो एनुअल प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में 1,25,461 रुपये इसकी एनुअल प्राइस पड़ेगी यामाहा रेंजडार 125 स्ट्रीट रैली की। और तो ओवरऑल आप देखें तो इसमें आपको जो एसेसरीज लगी मिलती है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के इसमें एसेसरी इंस्टॉल की गई है जिसकी वजह से काफ़ी हैवी लगती है इस स्कूटर देखने में। हेडलाइट की अगर बात करें तो इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिलता है कम्प्लीटली आपके यहाँ पे एलईडी हेडलाइट सेटअप इसमें आ जाती है और फेंडर आपको जो मिलती है यहाँ पे मेटलिक फेंडर दिया गया है। अगर बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में तो फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन इसमें ऑफर की जाती है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको लगे मिलती है। वी साइज की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको जो वी साइज मिलती है इस स्कूटर में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 12 इंचज का वी साइज बैग है, 90x90 12 सेशन के आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर लगी मिलती है। ब्रेकिंग अगर बात करें तो इसमें आपको जो ब्रेकिंग मिलती है यूबीएस ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। 190 का आपके यहाँ डिस्क ब्रेक का सपोर्ट आपके यहाँ पर मिल जाती है। तो इससे इसकी फ्रंट प्रोफाइल निकल के आती है और अपडेट मैंने आपको बता दिया दोनों साइड में आपके यहाँ पर इससे ग्राफिक्स मिल जाती है। और हैंडलिंग की बात करें तो प्रॉपर इससे आपके यहाँ पर हैंडलिंग मिल जाती है इस स्कूटर की। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर लेकर हाई बीम लो बीम पासिंग लाइट का स्विच दिया गया, टॉर्च हॉर्न का स्विच आपको मिल जाती है और तो राइट साइड में आपके यहाँ पर एडे स्टैबलाइजर का स्विच दिया गया है। यहाँ पर डीआर कंट्रोल आपको मिल जाती है और यहाँ पे पावर स्टीयर का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे इसको आगे क्या आपको दिखा दो भाई, आप देखें तो इससे आपके यहाँ पे मीटर कंसोल आपको मिल जाती है, फिर जिससे मीटर कंसोल आपको मिलती है विथ ब्लूटूथ कंट्री फीचर्स के साथ दिया गया है। इसमें एंसर बैक का फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखें तो आपके यहाँ पर डिजिटल टैकोमीटर किलोमीटर फ्यूल इंडिकेशन ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है और रिप्लेस करेंगे तो डिटेल आप चेकआउट कर सकते हैं। ओडोमीटर ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो यहाँ की जो वाई कनेक्ट ऐप है उससे आप चेक करेंगे तो जो भी इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर दिया गया है उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं इस स्कूटर में। तो इससे आपके यहाँ पर मीटर कंसोल मिलती है, ऊपर आपके यहाँ व्हाइट कलर फिनिशिंग आपको यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे यामाहा की लोगो दिया गया है। रियर साइड की बात करें तो इस तरह की साइड प्रोफाइल निकल जाती है। यहाँ पर आप देखें तो 125 सिग्नस रेंजडार 125 की आपके यहाँ ब्रांडिंग मिलती है, स्ट्रीट रैली यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राफिक्स काफी बढ़िया लगती है देखने में, फुटप्रिंट्स काफी बढ़िया क्वालिटी का इस स्कूटर में ऑफर किया गया है। और यहाँ पर देखें तो मेटलिक आपको ग्रैब हैंडल इसमें मिल जाती है और जो टेललाइट आपको यहाँ पर मिलती है बल्ब टेललाइट इसमें अभी भी कंटिन्यू किया गया है और जो टर्न सिग्नल आपको मिलती है यहाँ पे बल्ब टर्न सिग्नल आपको मिल जाती है। अगर बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में तो रियर में आपको जो सस्पेंशन इसमें लगी मिलती है इवेंट सिंग टाइप का यहाँ पे रियर में सस्पेंशन आपको मिल जाती है, तो बढ़िया सस्पेंशन रियर में भी ऑफर किया गया है। वी साइज की अगर बात करते हैं तो रियर में आपको जो वी साइज मिलती है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, 3 इंच का आपको यहाँ पे व्हील साइज मिलती है जो आपको टायर मिलती है 110x90 10 सेक्शन के आपके यहाँ पे ट्यूबलेस टायर लग मिलती है और व्हील का कलर जो आपको मिलता है रेड कलर में इसमें दिया हुआ है, इससे आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट मिल जाती है जो काफ़ी स्पोर्टी लगती है देखने में। अगर बात करते हैं इसके इंजन पावर के बारे में तो इसमें आपको जो इंजन लगी मिलती है 125cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड आपके यहाँ पर इंजन मिल जाती है जो मैक्स पावर जनरेट करती है 8.04 बीएचपी की पावर जनरेट करती है और जो मैक्स टॉर्क आपको मिलेगा 10.3 न्यूटन की आपको टॉर्क मिलेगी एट 5500 आरपीएम पे। तो इससे आपको पावरफुल इंजन आपके यहाँ मिल जाती है। और सीट की तरफ आए तो भाई आप देखें तो इससे आपके यहाँ पर सीट आपको मिलने वाली है इस स्कूटर में। तो सेटिंग कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो सीट हाइट मिलती है 785 सीट हाइट बैग है, काफ़ी कंफर्टेबल रेड स्टिचिंग वाली इसमें सीट बैग है, काफ़ी वाइड सीट आपको भाई यहाँ पर मिल जाती है। तो सीटिंग कम्फर्ट को लेकर आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है और फुट बोर्ड एरिया भी आपको अच्छा खासा मिल जाती है। स्पेस स्कूटर है और सीट को ओपन करके दिखा दो भाई, इसमें आपको जो अंडर सीट स्टोरेज मिलती है तो वैसे यहाँ पर आप देखें तो इसमें आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलती है 21 लीटर का आपके यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपके यहाँ पे मिलने वाली है। इसमें आप हाफ फेस हेलमेट आप यहाँ पे रख सकते हैं और 5.2 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है। अभी भी इसमें आपको जो फ्यूल टैंक
अलग मिलती है। इसके सीट के नीचे आपको मिलने वाली है एक्सटर्नल, आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, जबकि यहाँ को इसे एक्सटर्नल देना चाहिए बट आपको यहाँ पे इंटरनली आपको यहाँ पर मिल जाती है। लेफ्ट साइड की तो इसे इसकी लेफ्ट साइड बाहर निकल जाती है, काफी बढ़िया लगती है देखने में। तो बस ये रहा क्विक बैकग्राउंड रिव्यू हमारे ZR 125 का। आपको ये रिव्यू कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। सो बस ये हो गया इस बाइक के फीचर्स स्पेसिफिकेशंस की बात करिए, बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो इसका जो कर्वेट आपको मिलता है 99 के जी का इसका कर्वेट देगा। सीट हाइट आपको मिलती है 785 का इसमें सीट हाइट दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 145 का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और जो व्हील बेस आपको मिलती है 1280 का आपको यहाँ पे व्हील बेस मिल जाती है हमारे ZR 125 की। तो गाइस इस वीडियो में आपको बता दें कि हमारे ZR 125 जो 2024 मॉडल है इसमें आपको क्या अपडेट मिलती है, क्या पैसिंग रहेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी है स्कूटर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लें जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।